इधर जोधपुर के चेराई गांव में दिन दहाड़े युवक की हत्या के मामले, व्यापारी श्यामलाल की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दिन दहाड़े हत्या के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और चेराई पुलिस चौकी में लगे पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने की मांग की है। उपखंड अधिकारी राजीव शर्मा समेत पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है। यह हत्या का सीसीटीवी फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जोधपुर के चेराव गांव का यह मामला है जहां दिन दहाड़े युवक की हत्या की गई व्यापारी श्यामलाल, और व्यापारी श्यामलाल की हत्या का यह सीसीटीवी फुटेज है जिसके बाद गिरफ्तारी की मांग पर ग्रामीण अड़े हुए हैं और पूरी पुलिस चौकी को लाइन हाजिर करने की मांग कर रहे हैं। तो यह सीसीटीवी फुटेज आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आरोपियों गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। चेराई पुलिस चौकी में लगे सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने की मांग कर रहे हैं। उपखंड अधिकारी राजीव शर्मा सहित भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। और ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, ये सामने आया है जिसके बाद सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने की मांग ग्रामीणों ने की। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण हर्ष फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, अब पुलिस इसको लेकर क्या कुछ कर रही है? इधर ग्रामीण पूरी पुलिस चौकी को लाइन हाजिर करने की मांग कर रहे हैं। जी सर, मैं बता दूं, जिस तरह से ये हत्या हुई है और जिस तरह से कटर से धारदार हत्या से हत्या करने की मामला सामने आया है और करीब 3 से 4 लोग जो है भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण पुलिस एसपी धर्मेंद्र सिंह से हमारी बात की गई थी तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने स्पेशल टीम बना के इनके पीछे जो है टीम में भेजी गई है, जल्द ही हम आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। उससे पहले ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया, लेकिन अभी समझाइश करके रास्ता खुलवा दिया, लेकिन धरने पर ग्रामीण बैठे हैं और उनकी एक ही मांग है, जो चरई पुलिस चौकी है उनके तमाम पुलिस अधिकारी और जो एएसआई लगे हुए हैं उनको निलंबित किया जाए। तो कह सकते हैं अभी गतिरोध बना हुआ है। साथ ही साथ ओसिया विधायक दिव्या मदेड़ना ने भी ग्रामीण एसपी को ट्वीट कर और फोन करके बताया है कि तुरंत अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और इस तरह का जो क्राइम करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त। लेकिन ग्रामीणों की मांग भी तो सही है अरुण, क्योंकि ये दिन दहाड़े जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, पुलिस पर सवालिया निशान तो वैसे ही खड़ा हो रहा है कि दिन दहाड़े ऐसे दौड़ा दौड़ा कर हत्या करी गई, पुलिस क्या कर रही थी और अभी भी क्या कर रही है, इसका भी जवाब दे दे। बिल्कुल जी सर, इस पूरे मामले की बारीकी से जांच करने की डीसीपी ने हमें बताया है कि हम लोग इस पूरे मामले की जांच करेंगे कि क्या कारण हुआ कि ग्रामीण इतने आक्रोशित है, पूरी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर डीसी के धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि हम लोग लगातार एक पैरेलल टीम बना के पुलिस की भी जांच करवा रहे हैं, साथ ही साथ अलग अलग कार्यप्रणाली पर तो सवाल खड़ा ही हो गया है। धारदार हथियार तलवारें लेकर खुले आम सड़क पर वहां पर घूम रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के किसी को जान से मार रहे हैं, तो फिर ये तो सवालिया निशान खड़ा ही हो रहा है उनके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, सवालिया निशान खड़े हैं बिल्कुल पुलिस की कार्यप्रणाली पर। और आज का ये दिन दहाड़े जो मर्डर हुआ है ये वाकई चौंकाने वाला है। जिस गांव में अमन और शांति बनी हुई रहती है, जहां लोग गांव में आपस में भाईचारे से रहते, लेकिन इस तरह का नरसंस हत्या का कारण क्या रहा है, अब ये पुलिस जांच में स्पष्ट हो पाएगा और अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद ही पता चल पाएगा कि उन्होंने इस तरह से युवक की हत्या क्यों की। व्यापारी श्यामलाल पालीवाल बताया जा रहा है और इसी के समर्थन में है जो गांववासी है जो धरने पे और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए अरुण, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक सवालिया निशान पुलिस पर खड़ा होता दिखाई दे रहा है कि इस तरह धारदार हथियारों को लेकर खुलेआम दौड़ा दौड़ा कर एक व्यापारी की हत्या कर दी गई और पुलिस क्या कर रही थी।